थ्री एक्स स्क्वायर ना होगा, सिक्स स्क्वायर एक्स, देख इसका सॉल्यूशन लिख दिया, ये क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये क्या होगा सिक्स स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स, एक मिनट रुक जाओ, हाँ माइनस कॉस एक्स, थ्री एक्स, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, थ्री, ठीक है थ्री एक्स स्क्वायर। अब एक चीज देखो, ठीक है हेलो, अब एक चीज करो, अभी लिमिट का वैल्यू पुट करने की कोशिश करो, जीरो बाय जीरो आएगा, सिक्स स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होता है, वन माइनस एक काम करो, तुम एक काम करो शुरू, हेलो हेलो, इसको तुम क्या करना चाहते, पहले इसको इस फॉर्म में ब्रेक करो, साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं इसको हम, माइनस साइन एक्स होगा ये बाई क्या होगा एक्स क्यूब होगा, अभी क्या होगा इसको अगर सिंपली, हाँ बोलो, हाँ क्या, अभी डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं हम उसको बस ब्रेक किए बाबू, हाँ ये स्टेप के बाद नहीं लिख रहा हम, ये स्टेप के बाद डायरेक्टली ये स्टेप लिख रहे हैं अभी, हाँ ठीक है, अभी क्या है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है, इसको तुम ब्रेक करोगे ऐसे लिख सकते हो वन माइनस कॉस एक्स बाय एक्स क्यूब कॉस एक्स, यहां तक किसी को डाउट, ठीक है अभी क्या करने का, वन माइनस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स, देखो हम हमेशा बताए थे जब भी वन माइनस क्या क्या, ठीक है हाँ वेरी गुड, अभी इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स और एक्स क्यूब कैसे छोड़ दो ऊपर, इन टू टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं आप, यहाँ तक किसी को डाउट, ठीक है अभी लिमिट है मेरे पास, लिमिट अब पुट नहीं किए अभी तक, ठीक है दैट इज कॉल्ड लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लास्ट नंबर वैल्यू कितना आया था, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू बाय एक्स क्यूब, ठीक है यहां तक किसी को कोई डाउट, हेलो यहां तक किसी को डाउट है, ठीक है अभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टैन एक्स बाई एक्स इंटू टू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाय टू बाय एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, आप पूछोगे ऐसा क्यों लिखे, पूछो क्योंकि लिमिट, यहां तक किसी को डाउट नहीं है ना, हेलो यहां तक किसी को डाउट है, हाँ है ना, तो अब सॉल्व होगा, सॉल्व करके आंसर बताओ,
सॉल्व करके आंसर बताओ ना। ठीक है, भाई क्लास में सब वापस नहीं आए, सारे लोग वापस नहीं आए क्लास, तो क्यों नहीं आए? वो घूम रही होगी। ठीक है, क्या मजाक कर रहा भाई, खड़ा हो गया? ठीक है, छोड़ो छोड़ो, क्लास सॉल्व करो यार, तुम लोग बहुत ज़्यादा कंसीरियस हो यार, कुछ स्टूडेंट को छोड़ के। देखो आप इसमें सॉल्व होगा ये। हेलो, इसको हम डायरेक्टली ऐसे क्या आंसर सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट एक्स बाय टू का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर इनटू फोर, दैट इज इक्वल टू वन बाय टू। वेरी गुड, समझ आया सबको? समझ आया सबको? किसी को डाउट नहीं है ना भाई? किसी को डाउट है तो पूछ लो, फिर बाद में ये नहीं होना चाहिए कि भाई मतलब समझ नहीं आया, ये वो बात के लिए कुछ छोड़ना नहीं है, जो डाउट है पूछ लो। ये क्वेश्चन इसको बनाओ तुम, ये क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, टाइम हो गया, अभी टाइम नहीं हुआ, ठीक है? थ्री टू पावर एक्स माइनस वन, क्वेश्चन क्लियर है? लॉन ऑफ लॉग ऑफ वन प्लस थ्री एक्स बाई थ्री, हाँ टू फॉर एक्स माइनस वन। थ्री बाय लॉग ऑफ थ्री, हाँ अभी देखो जीरो बाय जीरो फॉर्म में है ऊपर नीचे। हेलो हेलो, ये जीरो बाय जीरो फॉर्म में है, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? लॉग ऑफ एक्स से क्या आता है?
लॉग ऑफ वन प्लस थ्री एक्स क्या आएगा, थ्री बाय वन प्लस थ्री एक्स आएगा। नीचे वाले में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, ए टू पावर एक्स का क्या होता था, थ्री क्या क्या ए टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, ए टू पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए क्या, या हाँ पूछो पूछो, हो गया क्लियर। वन हाँ पूछो ना पूछो ना, डाउट है तो बहुत अच्छा बात है, मतलब वो ध्यान दे रहा क्लास है तभी ना डाउट है, डाउट पूछोगे। एक चीज बताओ कि लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन ठीक है, और लॉग ऑफ वन प्लस थ्री एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन बाई वन प्लस थ्री एक्स। अब तुम अंदर वाले पार्ट है उसको भी डिफरेंशिएट करोगे तो थ्री एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, थ्री। अब कोई डाउट, दैट्स गुड। क्या हुआ आंसर बताओ, क्या आंसर आया, थ्री बाई थ्री मतलब थ्री बाई लॉग एक्स लॉग थ्री। अब लिमिट पुट करोगे क्या आएगा, नीचे वाले को जब तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो थ्री टू पार एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, थ्री टू पार एक्स लॉग थ्री। हेलो देखो डिफरेंशिएशन तुम कैसे कर रहे हो, ऊपर वाले पार्ट को अलग से कर रहे हो, नीचे वाले पार्ट को अलग से कर रहे हो, कर रहे हो ना। थ्री एक्स माइनस वन कहाँ लिखा है मैंने, ये वाला पार्ट, ये वाला स्टेप के बारे में पूछ रहे हो क्या, तो वही ना बोल रहा हूँ, नीचे वाले थ्री एक्स माइनस वन को तुम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा डिफरेंशिएशन थ्री टू पावर एक्स का, क्या होगा डिफरेंशिएशन थ्री टू पावर एक्स का, बोलोगे। डाउट क्लियर हुआ, वही तो मैं बोल रहा हूं, ए टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए टू पावर एक्स लॉग ए, ठीक है, तो ऐसी थ्री टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, थ्री टू पावर एक्स लॉग थ्री। अब क्लियर हुआ, अब कोई डाउट, ठीक है कोई बात नहीं भाई, नहीं पता तो बहुत अच्छा बात है, आप पता चल गया ना। नया प्रॉब्लम शुरू करें हम लोग क्या, अच्छा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, ठीक है देखो, ए टू पावर एक्स को जब तुम डिफरेंशिएट करोगे इसका डिफरेंशिएशन होता है ए टू पावर एक्स लॉग ऑफ ए, ठीक है उसी। आपको क्लियर, आपको डाउट है, नया प्रॉब्लम में जाए हम लोग, कैन बी सॉल्व अ न्यू प्रॉब्लम, क्या हुआ क्या हुआ, कोई डाउट है क्या, क्या क्या वो तो खत्म हो गई, सबसे पहले वही दिखता है तुम लोगों को, एक लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है सुनो ना, एक प्रॉब्लम देता हूं, ठीक है हेलो, कुछ प्रॉब्लम लिख लो, इसको सॉल्व करने के क्या आना तुम, फोर माइनस नाइन प्लस एक्स बाय रूट बाय, ठीक है हेलो, ये प्रॉब्लम है,
ऐसे भी मैं 5-6 प्रॉब्लम देता हूँ मैं, ठीक है? नोट करो। हाँ ये tan ऑफ 3x माइनस 2x बाई 3x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है? कोई डाउट? क्वेश्चन में कोई डाउट है? आंसर नहीं भी बताएंगे, आंसर क्या है वो बाद में तो सॉल्व करना। माइनस वन बाई फोर सही है, ठीक है? ये लिमिट x टेंस टू पाई 1 प्लस कॉस एक्स बाय टैन स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन क्लियर है? ला हेलो, क्या नहीं आया? हाँ लास्ट क्वेश्चन सुनो, 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू, लास्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए साइन ए बाई बाई एक्स, ठीक है? क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, कौन सा फिफ्थ वाला? वो 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स बाई एक्स साइन टू एक्स है, ठीक है? चलो छह प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में कोई भी डाउट होगा तो पूछना। और जितना भी एनसीईआरटी का प्रॉब्लम्स है ना, वो सारा प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व करना, उसमें कोई डाउट है तो पूछेगा, ठीक है? चलो थैंक यू, बाय बाय। बंद करूँ?